أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب بالخير وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फर्राटे भरते हुए तेज़ रफ्तार घोड़ों की कसम जो टाप मार कर चिंगारियाँ उड़ाने वाले हैं, फिर सुबह दम हमला करने वाले हैं, फिर गुब्बारे जंग उड़ाने वाले नहीं, और दुश्मन की जमीयत में दर आने वाले हैं। बेशक इंसान अपने परवरदिगार के लिए बड़ा नाशुक्रा है और वह ख़ुद भी इस बात का गवाह है, और वो माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है। क्या उसे नहीं मालूम है कि जब मुर्दों को कपड़ों से निकाला जाएगा और दिल के राजों को जाहिर कर दिया जाएगा तो उनका परवरदिगार उस दिन के हालात से खूब बाखबर होगा। सदकल्लाहुल अलीउल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के लिए ज़िबा हैं कि जो कहार भी है, जब्बार भी है, सत्तार भी है, रहमान भी है, रहीम भी है, और बेजुल जलाल भी है, और क्या खूब अजीम
शान बयान की जाए उस अजीम कुदरत की, कि जिसके कब्ज़े कुदरत में ये चरिंद भी हैं, ये परिंद भी हैं, ये इंसान भी हैं, ये हैवान भी हैं, और ये तमाम जहानों के ये तमाम निज़ाम भी हैं। वो रब है कि जो उसकी तारीफ़ करता है वो खुद लायक तारीफ़ रह जाता है। अजान मन दरूद लाह महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर, आपके जानसार अनसार पर और आपके असहाब पर दुरूद पढ़िएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अदी मोहतरम, गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी खोज जमात की जानिब से ये रमज़ान मुबारक 10 प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जो कि यकुम रमज़ान मुबारक से शब ईद-उल-फ़ितर तक आप तमाम हज़रात की खिदमत में पेश किया जाता है। दीगर उलमाए कराम दीगर उनवानात पे आपकी रहनुमाई फरमा रहे होते हैं। अज़ीज़ मोहतरम, इस 10 प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हो चुका है। तिलावत कुरान मजीद की सआदत कारी इर्तज़ा साहब अपनी खूबसूरत आवाज़ में हासिल कर रहे थे। आप सब तमाम कुरान की आयतों से मुस्तफ़ीद भी हो रहे थे। अज़ीज़ मन, आज का दिन काफ़ी सियाह दिन है। आज है 21 रमज़ानुल मुबारक, और हम सबसे पहले तो ताज़ियत तो तस्लियत पेश करते हैं बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा को, जनाब बीबी ज़ैनब कुबरा को, और हमारे वक्त के इमाम को यानी कि इमाम ज़माना को, उनकी खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। अजय मन, आज का हमारा दर्स का प्रोग्राम का उन्वान है इमाम अली और यतीमों की निगहदाश्त, जिससे हुजरत इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना हाफिज़ इरतदा नजफ़ी साहब इंशाल्लाह आपसे कुछ लम्हात में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अजय मोहतरम, ये वो मकाम होता है जहाँ मुझ मेज़बान को खुद समझ नहीं आ रही होती कि अज़मत अली बयान की जाए, फजीलत अली बयान की जाए, या मसाइब अली बयान की जाए। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ जो आज का हमारा जो नवान है उसके तहत एक आगाज़ गुफ्तगू करते हुए बिल्कुल एक आगाज़ इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करूँ। अजीज़ मोहतरम, तारीख के औराक कहीं ऐसे हैं, ऐसे बहादुर और शुजा लोगों से भरे हुए हैं जिनकी शुजात तो कसावत आप कह सकते हैं, इनकी शुजात व कसावत का बोल बाला था, मगर इसके साथ ही ऐसे बहादुर रहमत व इल्म व हुकूमत व इंसानियत से आरी हुए थे। मगर हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ऐसी शख्सियत हैं कि जिनमें तमाम ज़मानों के लिए रहमत और मोहब्बत के आला मसदाक हैं, हत्ता कि तारीख़ बशरियत की आदल तरीन मिसाल है और शख्सियत का लगा पाया। और इसीलिए इन चंद जुमलों को याद करते हुए मुझे अजमत अली के चंद अशार याद आ गए, बयान करना चाहूँगा कि बसर हो याद खुदा में यूँ ज़िंदगी मेरी, बसर हो याद खुदा में यूँ ज़िंदगी मेरी, अली का नाम अली के नाम पे हो सांसे आखरी मेरी, अली के नाम पे हो सांसे आखरी मेरी, और पुकारता हूँ मैं अल्लाह को मदद के लिए, पुकारता हूँ मैं अल्लाह को मदद के लिए, वहाँ से करते हैं हल मुश्किलें अली मेरी, और तुलू हो के नजफ में ये चांद कहता है, तुलू हो के नजफ में ये चांद कहता है, अली के नूर से है बाकी चांदनी मेरी, और लगा के नारे हैदर कहा ये सूरज ने, लगा के नारे हैदर कहा ये सूरज ने, अली वली की है खैरात रोशनी मेरी, अली वली की है खैरात रोशनी मेरी। आइए जन मोहतरम, मैं बगैर किसी तमहीद के मुल्तमिस हूँ हुजरत इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना हाफिज़ इरतदा नजफ़ी साहब से कि वो आएँ और हमारी इस उनवान पे रहनुमाई फरमाएँ, बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़मान बुलंद तरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। बिस्मिल्लाह व बिललाह व माशा अल्लाह व ला हौल व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व सलातु व सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही आलिल्लाह ولا سيما على بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أما بعد فقد
ورد في زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل التحية والسلام السلام على أبي الأرامل والأيتام. معزز ناظرین و سامعین، ابتدائی کلام آپ تمام کی خدمت میں، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایام شہادت مولائے متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے تمام مؤمنین و مؤمنات اور تمام امت مسلمہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی جانب سے وارث امیر المؤمنین حضرت حجت کی بارگاہ میں تعزیت عرض کرتے ہیں. ناظرین، آج کی یہ گفتگو مخصوص کی گئی ہے امیر المؤمنین مولائے کائنات کی سیرت کے ایک خاص گوشے کے ساتھ، کہ جس میں آج کل کے مشکل ترین دور میں، کہ جب دنیا میں فقر و تنگ دستی بہت عام ہو چکی ہے اور جنگ و جدال بھی بہت عام ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے خانوادے اپنے پالنے والوں سے محروم ہو جاتے ہیں، بہت سی کم سن بچے اپنے والدین سے، بالخصوص اپنے والد سے، باپ کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اس محرومی کے باعث معاشرے میں ایک ایسا رخنا پیدا ہوتا ہے اور ایسا گیپ بنتا ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے اگر اس کی بھرپائی نہ کی جائے. آج ہم امیر المومنین کی سیرت کے جس گوشے پر کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، وہ ہے مولائے کائنات کا یتیموں کے ساتھ سلوک، اور کس انداز سے میرے مولا نے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنی حکومت میں بسنے والے یتیموں کے حوالے سے اہتمام کیا. اس سے پہلے کہ مولا کی سیرت سے کچھ اقوال اور کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں، تمہیداً یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن صامت جب یتیم کے، آرفن کے موضوع کو ڈسکس کرتا ہے، تو پروردگار عالم اپنی لارائب کتاب میں کس انداز سے اس موضوع کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. کچھ فیکٹس، کچھ سٹیٹس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن کے جس کا کام قیامت تک آنے والی بشریت کی رہنمائی اور ہدایت کرنا ہے، جس کتاب لارائب کا موضوع بھی ہدایت ہے، اس قرآن نے اس یتیم کے موضوع کو اس قدر اہمیت کی دی ہے اور اس قدر حساس انداز میں اس کی مختلف اطراف و جوانب کو بیان کیا ہے کہ مکمل قرآن میں 23 مرتبہ 23 ٹائمز یتیموں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بیان ہوا. جا بجا ہمیں قرآن میں دیکھنے ملتا ہے کہ جہاں بھی، چاہے عطا کرنے کی بات آئے، چاہے نیکی کرنے کی بات آئے، چاہے احسان اور نیک سلوک کرنے کی بات آئے، تو جہاں قرآن طبقات کو گنتا ہے کہ کون لوگ زیادہ حقدار ہیں، ہر مقام پر قرآن میں 7 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ نے والدین، والدین کے بعد قرابت داروں یعنی اپنے ذاتی رشتہ داروں، خونی رشتہ داروں، اور ان کے فوراً بعد معاشرے کے کسی بھی اور محروم طبقے سے پہلے
यतीम का तज़किरा किया। चाहे परवरदिगार ने यूं फरमाया हो वबिल वालिदैनि एहसाना वबिज़िल क़ुरबा वलयतामा, कि जब वालिदैन के साथ नेकी का हुक्म दिया तो फरमाया कि और अपने रिश्तेदारों के साथ और उसके साथ साथ मुआशरे के यतीमों के साथ। चाहे वो माल अता करने की बात आए, चाहे वो खुम्स व ज़कात वाली आयतों की बात आए, हर मकाम पर कराबत दारों यानी रिश्तेदारों के बाद सबसे पहले यतीम को रखा। यानी ये बात हमें इस्लाम की तरजीहात से आगाह करती है कि किस तरह से अगर इंसान अपने रिश्तेदारों की ज़रूरत को पूरा कर दे, अपने महरूम रिश्तेदारों की हाजत रवाई कर दे, अब जब उसे बाहर वाले अफराद की मदद करनी है तो कुरान की निगाह में सबसे ज़्यादा अहम जो तबका है, सबसे ज़्यादा औला और हकदार जो तबका है वो यतीम है। दूसरी जानिब जब कुरान ने माशरे के एक और इंतहाई हसास मौजू यतीम से मुतालिक जिस पर बात की वो है यतीम का माल, के कुरान ने जाबजा इस बात की ताकीद की कि माशरे में कोई भी यतीम हो उसके वालिद के छोड़े गए मालो असबाब के जो उस यतीम की मिल्कियत है, जिसका वो हकदार है, जिसका वो वारिस है, लोग जब उस माल के साथ कोई तआमुल करें तो किस कदर मोहतात रहकर करें। यहां कुरान की बलागत को मुलाहजा कीजिएगा कि कुरान ने हमें सिवाय जिमनी तौर पर एक मरतबा के एक मकाम के अलावा कहीं भी हमें यह नहीं कहा ला ताकुलु माल यतीम, यतीम का माल नहीं खाना, खबरदार। कुरान ने एक अजीब ताबीर इस्तेमाल की, फरमाया वला तकरबू माल यतीम, खबरदार यतीम के माल के करीब भी ना फटकना। खाना तो दूर की बात है, हड़प कर जाना, कब्जा कर लेना, ये तो बहुत दूर की बात है। वला तकरबू माल यतीम इल्ला बिल्लती ही या अहसन, खबरदार यतीम के माल के करीब भी ना जाना सिवाय उस अंदाज से कि जो बेहतरीन अंदाज है। यानी अगर तुम यतीम के माल की तरफ हाथ बढ़ाना तो अमानत वाला हाथ बढ़ाना, हिफाजत के लिए हाथ बढ़ाना, खबरदार खयानत के लिए हाथ नहीं बढ़ाना। ला तकरबू माल यतीम, यतीम का माल के करीब भी ना जाना। दूसरी जानब जो लोग मुआशरे में हम सब के अतराफ व जवानब में बहुत से ऐसे कमसिन हमें अपने रिश्तेदारों में खानदान में मिल जाएंगे या अपनी कौम में अपने इलाके अपने मोहल्ले में अपने शहर में मिल जाएंगे कि जो यतीम है, और आए दिन ये किस्सा बहुत आम है, कितने ही ऐसे केसेस हमारे कानों को सुनाई देते हैं रोजमर्रा की बुनियाद पर, जैसे ही बाप का साया बच्चों के सर से उठा वही खूनी रिश्तेदार जिन पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती थी अपने खानदान के यतीम को संभालने की, उसकी परवरिश की, सबसे पहले उन्होंने ही उस यतीम का हक खाया। कितनी ऐसी मिसालें मिलती हैं, जबकि कुरान ऐसे अफराद के जो किसी यतीम का माल खा जाए, हड़प कर जाए, कुरान उन्हें डायरेक्ट मुखातब करने के लायक भी नहीं समझता। एक मरतबा तो लोगों को मुखातिब करके कहता है ना, या अय्युहल लदीना आमनु, ए ईमान वालो, ए फलां काम करने वालों। जब यह आयत आई वला तकरबू माल यतीम, कुरान खिताब कर रहा है, लोगों को अपना मुखातब बना रहा है, खबरदार यतीम के माल के करीब भी ना जाओ। लेकिन जब यतीम का माल खाने वाले की बात आई तो कुरान ने उसे मुखातब करने के लायक भी नहीं समझा, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कोई शख्स अल्लाह का मुखातब हो, कुरान में कुरान की तिलावत करता हो, कुरान पर सही अंदाज से अकीदा हो और साथ में यतीम का माल खा जाए, जिसका खुदा के सिवा कोई वाली और वारिस नहीं है उसका माल खा जाए, जो कमजोर तरीन तबका है इस वक्त माशरे में उसका माल खा जाए। कुरान ऐसे अफराद के लिए कुछ यूं कलाम करता है, उन्हें गायबाना अंदाज में मुखातिब करके फरमाता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा, वो लोग के जो यतीमों का, वो लोग मुखातब नहीं है, वो लोग के जो यतीमों का माल
ज्यादती और जुल्म के साथ यानि गैर अदलो इंसाफ के खा जाते हैं, उन्हें पता नहीं है वो क्या खा रहे हैं। कुरान फरमाता है इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने शिकमों को आग से भर रहे हैं। वसयस्लौन सईरा, और उसी में उन्हें बाकी रहना है। यूं कुरान ने यतीम का एहतमाम किया, और यही वजह है कि हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि जो नेक नियत अफराद होते हैं जिन्हें खुदा ने तौफीक दी है, या जो इदारे इस जहद से मखसूस हैं, वो बड़ी एहतियात करते हैं यतीम और उसके माल से मामला करने में। यह है एक जहद। इस जहद से शायद हम में से बहुत सारे अफराद किसी न किसी यतीम की माशरे में मदद करते हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदारों में हो या चाहे वो हमारी कौम का यतीम हो, चाहे उसका वालिद, उसका बाबा, उसका बाप किसी जगह अपने दीन के नाम पर शहीद हुआ हो या चाहे तबीयी मौत मर गया हो। बहुत सारे अफराद माल खर्च करना जानते हैं, खुदा ने उन्हें यह हौसला, ये सलाहियत दी है, ये हिम्मत, ये तौफीक दी है कि यतीम पर अपना माल खर्च करते हैं। बहुत से इदारे मुख्तस हैं इस काम से, लेकिन एक बहुत अहम जहद कि जिसे हम सब आमतौर पर फरामोश कर जाते हैं, जिसमें हम सब एज अ मुआशरा कोताही का शिकार है, जिस पर आज खुसूसन मेरी गुफ्तगू का फोकस रहेगा कि दीन इस्लाम ने, कुरान ने, आइम्मा ने न सिर्फ यतीम की मादी हालत में उसके मददगार बनने का हुक्म दिया, न सिर्फ मादी एतबार से उसकी दुनियावी जरूरियात को पूरा करने का हुक्म दिया, बल्कि इससे बहुत ज्यादा ताकीद की यतीम की इमोशनल नीड्स को पूरा करने की, यतीम की जज्बाती और नफसानी जरूरत को पूरा करने की। यानी जब एक बच्चा, एक कमसिन बच्चा माशरे में यतीम हो जाता है, जब वो अपने बाप को खो देता है, न सिर्फ उसने कमा कर खिलाने वाला बाप खोया, बल्कि इससे बहुत ज्यादा बड़ा रखना, इसके मुकाबले में कई ज्यादा बड़ा रखना, वो उसकी जज्बाती और इमोशनल परवरिश में आ गया कि इसने शफकत करने वाला एक बाप खो दिया, इसने खुद पर सायादार दरख्त की तरह साया बनने वाला एक इंसान खो दिया, इसने अपनी पुश्त पनाही और अपने आप को सपोर्ट करने वाला और अपने आप को मुआशरे में जीने के तौर तरीके सिखाने वाला एक इंसान खो दिया। ये इसकी जात में, इसकी शख्सियत में एक बहुत बड़ा रखना बन जाता है। लिहाजा हम कुरान की तरफ अगर निगाह करें तो जिस कदर यतीम की मादी मदद और मादी जानब पर कुरान ने बात की, चाहे वो यतीम का माल हो या यतीम को अपना माल देना हो या यतीम के माल को हड़प करने से रुकना हो, इसके मुकाबले में कुरान ने बहुत ज्यादा ताकीद की यतीम की इमोशनल नीड्स को पूरा करने की, यतीम को जज्बाती तौर पे नुकसान ना पहुंचाने की, उसे तकलीफ ना पहुंचाने की, उसे अजियत ना पहुंचाने की। कि आइए अब जरा इन कुरानी आयात का मुलाहजा का मुतालिया कीजिए, और कभी इस जहन से भी कुरान को पढ़िए, कभी गौर कीजिए, तदब्बुर कीजिए। कुरान में अजीब जुमले हैं। जब यतीम की इमोशनल नीड्स की बात आती है तो एक मरतबा सूरह फज्र में खुदा इरशाद फरमाता है कि जब किसी इंसान पर रिस्क तंग हो जाता है, वह अम्मा इज़ा मबतलाहु रब्बुहु फ़क़दर अलैहि रिस्क़हु फ़यकूलु रब्बी अहानन, कि जब किसी इंसान को अल्लाह इस तरह आजमाता है कि उसके रिस्क में तंगी आ जाती है, फक्र तंगदस्ती का शिकार होता है, तो वो ये गुमान करता है, खुदा से बदगुमानी करता है कि मेरे खुदा ने मेरी इहानत की, मेरे खुदा ने मेरी इज्जत नहीं रखी। अगली ही आयत में खुदा
कई असबाब में से सबसे पहला सबब जो इसे इसकी गुर्बत और तंगदस्ती का बताता है, फरमाता है कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, ये हमारी जानिब से तेरी इहानत करना नहीं है बल्कि तेरे ही अपने ही अमल का नतीजा है जो तू देख रहा है। वो क्या अमल है? हरगिज नहीं तुम लोग यतीम का एहतराम नहीं करते थे, लिहाजा अब तुम्हारे रिस्क में तंगी आ गई। अगर सूरह दुहा की आयत को देखिए, फअम्मल यतीमा फला तकहर, खबरदार यतीम को झिड़कना नहीं, यतीम के साथ डांट डपट नहीं करना, यतीम को मजबूर नहीं करना। ये कुरान यतीम की आतिफी जानिब, उसकी इमोशनल नीड को पूरा करने की बात कर रहा है। माल तुम दो या ना दो, देना भी जरूरी है, अगर ना दो खुदा कोई ना कोई इंतजाम कर देगा, लेकिन उसकी इमोशनल नीड को पूरा करना ये एक ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है पूरे मुआशरे पर और खुसूसन यतीम के करीबी रिश्तेदारों पर। एक और जगह बहुत सख्त इरशाद है कुरान में, सूरह माउन इब्तिदा कहां से हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरअईतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने देखा है ऐसे शख्स को कि जो दीन का यानी रोजे कयामत का सजाओ जजा को झुटलाने वाला हो, इनकारी हो, यानी ऐसे शख्स को देखा है जो कयामत को मानता ही ना हो? हकीकत में उसकी रूह में जाहिरी तौर पे इकरार कर रहा है। ऐ खुदा सिफत क्या है उस शख्स की कि जो रोजे कयामत पर ईमान नहीं रखता? अगली ही आयत में फरमाता है फज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम, ये वो शख्स है जो यतीम को झिड़क देता है, जो यतीम को डांट देता है, जो यतीम से सख्ती से पेश आता है, जो यतीम की इमोशनल नीड्स का ख्याल नहीं रखता, जो यतीम को इज्जत और एहतराम नहीं देता। कुरान इसे ताबीर कर रहा है रोजे कयामत दीन और माद के मुनकर से। जरा सोचिए कितना सख्त मरहला होगा। एक और आयत और इंतहाई अहम आयत, एक बार यतीम से खुश अखलाकी से पेश आना, एक बार यतीम की इज्जत करना, उसे न धुतकारना, उससे नरमी से पेश आना, और एक और अहम और इंतहाई हसास मसला यतीम के हवाले से कि जो हम आम तौर पर अपने माशरे में देखते हैं, खानदान में कोई बच्चा यतीम हुआ उसकी मदद तो की जा रही है, उसे माली जरूरियात तो पूरी की जा रही है, लेकिन चूंकि अब वो वल अयाज़ु बिल्लाह, खुदा हमें माफ करे लेकिन ये हमारे मुआशरे की हालत है, और यकीनन आप भी महसूस करेंगे ये बात कितनी सच है बदकिस्मती के साथ, लेकिन चूंकि अब उसका सोशल स्टेटस हमारा वाला नहीं रहा, हमारे सोशल स्टेटस जैसा नहीं रहा, लिहाजा आम तौर पर खानदान में उस यतीम का सोशल बायकॉट हो जाता है, चाहे जानबूझ करो या चाहे गैर महसूस अंदाज में हो, कि अब अच्छी गैदरिंग्स में बड़ी गैदरिंग्स में उसे नहीं बुलाया जाता, उसे फरामोश कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा फकीर है, तंगदस्त है, उसे कमा कर खिलाने वाला बाप इस दुनिया से चला गया, उसे अच्छा लिबास पहनाने वाला बाप इस दुनिया से चला गया, लिहाजा अब वो इस लायक नहीं बचा कि मैं अपनी सोशल गैदरिंग और अपने सोशल सर्कल में उसे अपने रिश्तेदार की हैसियत से पेश कर सकूं। कुरान यतीम की इस हसास जहत और यतीमी की इस हसास जहत को भी कुरान यूं बयान करता है, वयसअलूनका अनिल यतामा, ऐ रसूल ये लोग आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं कि हम क्या करें इनके साथ, कैसा बर्ताव अपनाएं, कैसा सलूक करें। कुरान फरमाता है कुल इस्लाहुल लहुम खैर, ऐ रसूल इनसे कहिए कि यतीम की बेहतरी चाहो और बेहतरी करो, उनकी इस्लाह करो, अरबी वाला इस्लाह, न कि हर बार रोक टोक करने वाली इस्लाह। ऐसा भी ना हो कि एक बाप दुनिया से चला गया तो 36 रिश्तेदार उसके बाप बने बैठे हैं, जिसको देखो रोक रहा है, टोक रहा है, डांट रहा है, डपट रहा है। नहीं, कुल इस्लाह लहुम खैर, अरबी वाली इस्लाह, उनके लिए अच्छाई और भलाई को चाहना
और उनके लिए अच्छाई और भलाई को हासिल करने की कोशिश करना ये बेहतरीन काम है। अगले जुमले में खुदा फरमाता है वह इन तुखालतूहुम फइख्वानुकुम, और अगर तुम लोग यतीमों से इख्तलात करो, उन्हें अपने अंदर मिक्स करो, उनका सोशल बायकॉट ना करो, उनसे दूरी ना करो, उन्हें अपने अपनी गैदरिंग्स में, अपनी रिश्तेदारों में, अपने सर्कल में हिस्सा बनाओ। फइख्वानुकुम, अगर तुम ऐसा करते हो तो ये भी तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे अपने हैं। इन तुखालतूहुम फइख्वानुकुम, इस पूरी अब तक की गुफ्तगू से हमने ये अंदाजा किया, ये खुलासा निकला कि दीन इस्लाम यतीम के मौजू को बहुत ज्यादा अहमियत देता है और बहुत ज्यादा हसासियत के साथ, बड़ी बारीकी के साथ इसकी अतराफ और जवानिब को, डिफरेंट एंगल्स को बयान करता है। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जहां यतीम की मादी जरूरत को पूरा करना बहुत अहम है, वहीं यतीम की मानवी, रूहानी, नफसानी, आतिफी, जज्बाती जहत का ख्याल करना भी बहुत ज्यादा, बल्कि मादी जहत से ज्यादा अहम तर है। यहां तक आपकी खिदमत में कुरान सामित की निगाह में यतीम की अहमियत और यतीम के मौजू की अहमियत पेश की। आप जरा सोचिए, जब कुरान सामित यतीम के मौजू पर इस कदर हसास नजर आता है तो कुरान नातिक की क्या कैफियत होगी। यकीनन खत्मी मर्तबत हजरत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलाए कायनात के वो के बारे में वो फरमान कि अली माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ है। ये कुरान की हर हर आयत और मौलाए कायनात की पाकीजा जिंदगी के हर हर मोड़ पर नजर आता है। इस फरमान का बरहक होना हर मैदान में दिखाई देता है। और उसी तरह जब यतीम पर बात आ जाए, यहां भी हमें कुरान नातिक यानी मेरे मौलाए मुत्तकियान, मौलाए कायनात, अमीरुल मोमिनीन कुरान सामित के साथ साथ नजर आते हैं और कुरान मौलाए कायनात के साथ साथ नजर आता है। जहां कुरान ने यतीम की मादी जहत पर इतना इतनी अहमियत दी, वहीं अली ने भी, मौलाए कायनात ने भी अपनी हयात मुबारका में यतीम के मौजू और उसकी मादी इमदाद और मदद को बहुत अहमियत दी। मगर वहीं जिस तरह कुरान ने यतीम की इमोशनल नीड्स को बहुत ज्यादा ताकीद से बयान किया, वहीं मेरे मौलाए कायनात की सीरत में हमें जा बजा नजर आता है कि किस तरह यतीम की इमोशनल नीड्स का मौला ख्याल रख रहे हैं। कि कभी ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि जिस किसी ने शफकत से यतीम के सर पे हाथ फेरा, ये कितना मुश्किल काम है। ये शायद बहुत से लोगों के लिए बड़ा बेमानी सा काम हो, लेकिन वो जिसके सर पे दस्त शफकत रखने वाला बाप न रहा हो, उसके लिए ये काम बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। मौला फरमाते हैं जिसने यतीम के सर पे शफकत से हाथ फेरा, एक एक बाल जो उस यतीम के सर पर है जिससे इसका हाथ फिर कर गया है, इसके बदले खुदा इसे नेकियां अदा करेगा। ये मौला फकत और फकत जाहिरी तौर पर यतीमों के सर पे हाथ फेरने की ताकीद नहीं कर रहे हैं, शफकत मोहब्बत और प्यार के साथ, एहतराम के साथ, उसकी जज्बात की कदर करते हुए उसे ये एहसास दिलाते हुए कि क्या हुआ अगर तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं रहा, हम हैं तुम्हारा दिफा करने वाले, हम हैं तुम्हारी हिफाजत करने वाले, हम मौजूद हैं तुम्हारे बड़े, तुम्हारी जरूरियात का ख्याल रखने वाले। इस कैफियत का एहसास दिलाते हुए उसके सर पे शफकत से हाथ फेरना ये इंसान को इतने बड़े दर्जे पर ले जाता है। खुद मौलाए कायनात अपनी जिंदगी के अहम तरीन लम्हात में और सख्त तरीन लम्हात में, आज मौला की शहादत का दिन था, वसीयत अमीरुल मोमिनीन याद रखिएगा,
मौला बिस्तरे शहादत पर हैं, जहरे दगा और तलवार की जरबत ये दोनों मौला के जिस्म अथर पर पूरी तरह असरअंदाज हो चुके हैं। मौला शदीद दर्द और तकलीफ में मुब्तला है, लेकिन इस दौरान भी जब मेरे मौला ने वसीयत फरमाई तो यतीम के मौजू को फरामोश नहीं किया, और किस अंदाज से, किस कदर हसास अतराफ व जवानिब को बयान किया, गौर कीजिएगा। फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम, खबरदार खबरदार यतीम के मामले में ख्याल करना, अल्लाह से डरना। फला तगब्बू अफवाहहुम वला यज़ीउ बिहज़रतिकुम, क्या मतलब? फरमाते हैं, ऐसा ना हो कि तुम उनके मुंह उनके लबों को बहुत वक्फे वक्फे से भरो गिजा से खाने से। ये किनाया है, क्या मतलब? ऐसा ना हो कि कुछ अरसा मदद करो, कुछ अरसा फरामोश कर दो, भूल जाओ, उसे अपने हाल पर छोड़ दो, फिर कुछ अरसे के इनकिता के बाद पौज के बाद फिर तुम्हें याद आए, अरे मुझे तो यतीम का ख्याल करना है, फिर जाओ फिर मदद करो, फिर कट जाओ, फिर भूल जाओ, मसरूफ हो जाओ। नहीं, मुसलसल होकर इस्तिमरार और कंटिन्यूटी के साथ तुम्हारी रसद और मदद यतीम तक पहुंचनी चाहिए। ला तगब्बू अफवाहुम, उनके मुंह को फासले फासले से नहीं भरना। कितनी दकीक ताबीर है मौलाए कायनात की, और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस कदर इस बात का मुशाहदा करते हैं कि जब हम ये नेकी करना भी चाहें, जो लोग ये नेकी करते हैं जिन्हें तौफीक मिलती है, चाहे खुद किसी यतीम की किफालत करें या चाहे किसी इदारे के जरिए से करें, आया कितनी कंटिन्यूटी के साथ करते हैं, किस तरह से हमारी तरजीहात बदलती रहती हैं। फिर मौला फरमाते हैं, वला यज़ीउ बिहज़रतिकुम, खबरदार ऐसा ना हो तुम्हारी मौजूदगी में यतीम जाया हो जाए, तुम्हारे होते हुए माशरे का यतीम जाया हो जाए। क्या मतलब मौला? मुराद ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम यतीम की जानब वैसी तवज्जो न दे सको, उसकी तरबियत पर वैसा ख्याल न रख सको जैसा तुम अपनी औलाद का रखते हो, उसकी तालीम में वैसे जहमत न उठा सको जैसे तुम अपनी औलाद की तालीम में उठाते हो। अपनी औलाद के पढ़ लिख कर माशरे में कारामत फर्द बन जाने की तो तुम्हें बड़ी फिक्र खाई जाती है, बड़ा खर्च करते हो, बड़ा एहतमाम करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि एक यतीम के लिए तुम ये फिक्र ना कर सको, नतीजे में वो तालीम से महरूम रहे और नतीजे में वो माशरे में गलत अफराद की तरफ मायल हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि यतीम अपनी शख्सियत में जाया हो जाए जबकि तुम मौजूद हो। ये मौलाए कायनात बता रहे हैं, मादी जहत और जज्बाती और इमोशनल नीड दोनों को साथ रख रहे हैं। ये तो मौला का कहना था, ये तो उनके अकवाल थे। अगर मौलाए कायनात की सीरत का मुलाहजा किया जाए, सीरत का मुतालिया किया जाए, तो अमली मैदान में भी मौला ने जा बजा यतीम की इमोशनल नीड्स का ख्याल रखने का इजहार किया। अजीब वाकयात तारीख में लिखे, हजरत अंबर से रिवायत है, मौलाए कायनात का वो जानिसार गुलाम के जो हमारे आका हैं जनाब कंबर रिदवानुल्लाह अलैह, वो नकल करते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, मौलाए कायनात यतीम से किस कदर लगाव रखते हैं। ये बात किसी आम इंसान की नहीं हो रही, किसी आम बिजनेसमैन की नहीं हो रही जिसे खुदा ने एक दुकान दे रखी हो, किसी आम 9 to 5 जॉब करने वाले इंसान की नहीं हो रही, किसी बहुत मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन की भी नहीं हो रही जो बहुत मसरूफ हो। ये सबसे ज्यादा मशगूलियत और मसरूफियत रखने वाले मनसब पर मौजूद इंसान की बात हो रही है कि जो उस वक्त जाहिरी तौर पर भी अपने हक कुर्सी खिलाफत रसूलल्लाह पर मौजूद थे, मुसलमानों के तमाम उमूर के निगरान हैं, उनसे ज्यादा मशगूल तो कोई नहीं होगा। इसके बावजूद यतीम से मिलने के लिए, यतीम के लिए वक्त निकालने के लिए किस कदर एहतमाम करते थे। कंबर कहते हैं कि एक बार बैतुल माल में वाफिर मकदार में शहद आया,
जहां वो तमाम मुसलमानों का हक था और मौला ने हुक्म दिया कि ये इसके हिस्से किए जाएं और तमाम लोगों में तकसीम कर दिया जाए, हर शख्स आए और अपने हिस्से का शहद ले जाए, वही मौला ने कंबर को हुक्म दिया कि जाओ और यतीम बच्चों को जमा करके मेरे पास ले आओ। अल्लाह अकबर, यतीम बच्चों को जमा करके मौला के पास लाया गया, मौला अपने हाथों से उन यतीमों को उनके हिस्से के शहद में से चखा रहे हैं, चटा रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से खिला रहे हैं, और यहां तक कि इस कदर शफकत और मोहब्बत से खिला रहे थे कि कंबर कहते हैं कि हमने ये तमन्ना की कि काश हम भी आज कूफे में यतीम होते तो मौलाए कायनात इस शफकत से हमें शहद खिलाते और हमसे इस कदर मोहब्बत का इजहार करते। जरा सोचिए अजीजों, ये उसकी सीरत है कि जिसकी शहादत का आज दिन है, जिसे हम अपना मौला कहते हैं, जिसकी मोहब्बत का दम भरते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी थकते नहीं हैं और न थकेंगे, जिसकी विलायत पर दुनिया व आखिरत में बरकरार रहने की हम दुआएं करते हैं, जिसकी इश्क में हम गिरफ्तार और मुबतला हैं, उस अली का यतीमों के साथ ये तरीक़ेकार था। अगर एक वाकया काफी ना हो, आइए एक और वाकया पेश करता हूं। एक रोज मौलाए कायनात अपने जाहिरी दौरे खिलाफत में ही मशगूल तरीन इंसान उम्मत मुस्लिमा का हाकिम कूफा की किसी गली से गुजर रहे थे, सिफीन में, जमल में, नहरवान में, खास तौर से सिफीन और नहरवान में, मौला के सिफीन और जमल में मौला के असहाब और कूफे के रहने वाले, मौला के चाहने वाले बड़ी तादाद में शहीद हुए, उन सब के यतीम मौजूद हैं। मौला खास एहतमाम किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद जब इज्तिमाई तौर पर एहतमाम किया जाए, मुमकिन है इनफरादी तौर पर कोई शख्स किसी मुश्किल में मुब्तला हो। मौला एक गली से गुजर रहे थे, देखा कि सब बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन ये एक बच्चा है जो बड़ा उदास बैठा है, बड़ा परेशान बैठा है। मौला इसके करीब गए, शफकत से इसके सर पे यदुल्लाही हाथ को फेरा, सवाल किया कि तू क्यों गमजदा है, तू क्यों परेशान है, तू इन बच्चों के साथ खेलता क्यों नहीं है? कहने लगा कि ये बच्चे मुझे ताना देते हैं कि तेरा तो बाप भी इस दुनिया में नहीं है, तेरा तो बाप भी इस दुनिया में नहीं है, मैं यतीम हूं, मेरा बाबा एक जंग में मारा गया, ये बच्चे मुझे ताना देते हैं, मुझे अपने साथ मिलाकर नहीं खिलाते। कुरान की आयत जहन में है ना, इंशाल्लाह इन तुखाल तुम, अगर तुम उनसे उनको अपने अंदर जम कर लो, उनसे मिक्स हो जाओ तो तुम्हारे भाई हैं। ये बच्चे मुझे खिलाते नहीं है, ताना देते हैं कि तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है। मौलाए कायनात की आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे आइंदा जब कोई तुमसे कहे तुम्हारा बाप नहीं है, उससे कहना मेरा बाप अली इब्ने अबी तालिब है। बच्चे को चैन नहीं आया, सुकून नहीं आया। मौला ने पूछा और क्या परेशानी है? कहा मौला इन सब के पास खेलने के लिए लकड़ी की सवारियां और लकड़ी के घोड़े हैं, मगर मेरे पास तो लकड़ी का घोड़ा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस बाप की ये जिम्मेदारी थी या जो बाप इतनी शफकत करके मेरे लिए खिलौने लाता था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मौला ने जब ये बात सुनी खुद तशरीफ ले गए और उसके लिए वो लकड़ी के घोड़े का खिलौना लाकर उसे दिया। देखा कि बच्चे को अभी भी चैन नहीं आया, इस कदर गम से भरा हुआ है, इस कदर एहसासे कमतरी में बेचारा मुबतला है कि इसे चैन नहीं आ रहा, इसे अपना बाप याद आ रहा है, और अली का सारा हम्मो गम इस वक्त यह है कि किसी तरह इसे खुश कर दें, किसी तरह इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। अली से देखा नहीं जाता था कि कोई यतीम गमजदा हो, कोई यतीम परेशान हो। बच्चा अभी भी चैन और सुकून नहीं आया उसे। मौला ने पूछा अब तू क्या चाहता है? कहा मौला बच्चों के पास तो अनवाओ अकसाम के खिलौने, मेरे पास अब ये सिर्फ एक खिलौना है। मौला तशरीफ ले गए और मजीद खिलौने लाकर उसे दिए। कहने लगा मौला इन बच्चों के पास तो ऐसी सवारियां हैं कि जिन पर सवार होकर ये सैर करते हैं, चलने फिरने वाली सवारियां हैं,
मतलब मेरी सवारी चलती तो नहीं है, मेरे पास तो कोई सवारी नहीं है, इनको इनके बाबा घुड़सवारी कराते हैं मगर मैं इससे महरूम हूं। रिवायत कहती है अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तकियान कि जो कायनात का मौला है, जिसके सामने कायनात की हर शय ताजीम में झुक जाए, जिसकी विलायत हर चीज पर हो, रिवायत कहती है वो मौला उस यतीम को खुश करने के लिए अपने दोनों घुटने और अपनी दोनों हथेलियां जमीन पर टिकाकर बैठ गए। अबू तुराब कूफे की तुराब पर बैठ गए और उस कमसन बच्चे ने से कहा क्या हुआ कि अगर उनके पास सवारियां हैं, आ मैं तेरी सवारी बनता हूं, मैं तुझे सैर कराता हूं। रिवायत कहती है जब तक वो बच्चा मौला की पुश्त पर सवार रहा, अब वो खुश हो गया, अब उसका मिजाज बेहतर हो गया, अब वो खिलखिलाकर हंसने लगा। मौला उसे हंसा रहे हैं, उसे खिला रहे हैं। जब तक वो मौला की पुश्त मुबारक पर खेल खेल कर थक कर सो नहीं गया, अली ने वो जगह नहीं छोड़ी। अली उसकी सवारी बन के उसे चलाते फिराते घुमाते रहे जब तक वो थक कर मौला की पुश्त पर गहरी नींद ना सो गया। उसके बाद मौला ने उस कमसिन बच्चे को उसके घर पहुंचाया। जरा गौर तो कीजिए अजीजों, हक नहीं है इस इमाम का कि इसे ज्यारत में यूं ही मुखातब किया जाए जैसा कि अइमा ने हमें सिखाया। एक लकब मेरे मौला का, अस्सलाम अला अबिल अरामिल वल अयताम, मेरा सलाम हो बेवाओं और यतीमों के बाप, उनके पालने वाले अली इब्ने अबी तालिब पर। हक नहीं था कि जिस अली के लिए रसूल ने फरमा दिया अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, तो मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। अली इस उम्मत के हर इंसान और बिलखसूस है हर यतीम पर पदराना शफकत का इजहार करते थे, उसे उसका अपना बाप होने का एहसास दिलाते थे अपने अमल से, अपने किरदार, अपनी सीरत से। आइए एक और बड़ा हसास वाकया मौला की सीरत का कि जिसमें मौला ने यतीम की मादी और आतिफी यानी इमोशनल जज्बाती मदद दोनों को भरपूर अंदाज में शामिल कर दिया। एक रात मौला शहरे कूफा में अपने गुलाम कंबर के साथ ही गुजर रहे हैं, एक घर से बच्चों के बिलक बिलक कर रोने की आवाज आई। मलाए कायनात ठहर गए, दस्तक दी, बच्चों की मां दरवाजे पे आई, ये बच्चे इतनी रात में क्यों इस कदर रो रहे हैं? कहने लगी ये खाने की जिद कर रहे हैं, इन्हें भूख लग रही है। तो मौला ने पूछा कि फिर तू इन्हें खाना क्यों नहीं दे देती? कहने लगी कि इनका बाप इस दुनिया में नहीं है और मेरे पास इन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जरा सफेद पोशी का आलम देखिए अजीजों, हमारे मुआशरे में भी हमारे अतराफ में ऐसे सफेद पोश अफराद बसते हैं कि जो जरूरतमंद होते हैं, जिनके कमसिन बच्चे भूखे होते हैं, मगर गैरत और हमियत उन्हें इजाजत नहीं देती कि किसी के सामने अपनी मुश्किल का इजहार करें। हम पर लाजिम है कि ऐसे अफराद की जरूरियात का ख्याल करें, बढ़कर ऐसे अफराद से उनकी जरूरत को मालूम करें और सबसे अहम ऐसे उनकी जरूरत को पूरा करें कि जिससे उनकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, उनकी सेल्फ एस्टीम को ठेस ना पहुंचे। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अगर तेरे पास इन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है तो ये घर के सहन में जो मुझे एक बर्तन आग जलती हुई आग और चूल्हे पर रखा नजर आ रहा है, ये क्या है? कहने लगी कि मैंने इस बर्तन में पानी उबालने रखा है ताकि बच्चों को कुछ तशफी हो जाए कि शायद मां कुछ पका रही है और इसी तशफी में रोते रोते ये सो जाएं ताकि मेरा इम्तिहान खत्म हो। मौलाए कायनात ने जब इस हालत को सुना तो कंबर को अपने साथ लिया, अपने घर तशरीफ लाए, आटा, कुछ शहद
और कुछ नमक या सालन मौला ने अपने घर से लिया। कमर ने कहा मौला वजन मुझे दे दीजिए। फरमाया कमर उस आलम में मेरा वजन कौन उठाएगा। मौला उस बेवा के दरवाजे पर आए कमर के साथ, दस्तक दी, घर में दाखिल हुए, तशरीफ लाए और उस खातून को, उस मोमिना को मुखातब करके कहने लगे या तो तू खाना तैयार कर और मैं बच्चों को बहलाऊं या तू बच्चों को बहला और मैं खाना तैयार करूं। कहने लगी अगर ऐसा ही है तो मैं बच्चों को बहलाती हूं, आप तनूर में आग रोशन कीजिए। मौलाए कायनात रिवायत कहती है तनूर में अपने दस्ते मुबारक से आग रोशन करते हैं और कंबर कहते हैं बार बार अपने रुखसारे मुबारक को उस तनूर की जलती आग के करीब ले जा रहे थे और एक जुमला कह रहे थे जुक या अली अली जरा जरा इस हरारत को चखो। ये मौला का शदीद एहसास था, इमाम मासूम होते हुए भी शदीद एहसास था और हमें तालीम देना चाहते थे कि अगर यतीम के हक में कोताही की तो क्या होगा। जब अली जैसा इमाम खौफ ज़दा है तो हमें तो किसी मौके चैन नसीब ही नहीं होना चाहिए अगर हम किसी यतीम के हक में कोताही का शिकार हों। इधर तनूर रोशन हो गया, खातून रोटियां बना रही है, मौला उसके बच्चों को बहला रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उन्हें तसल्लियां दे रहे हैं। वो जिस घर से पहले बिलख कर रोने की आवाजें आ रही थी, अली की शफकत के नतीजे में अब वहां से बच्चों के कहकहों और किलकारियों की आवाज आ रही है। यहां तक कि कंबर कहते हैं जब खाना तैयार हो गया मौला ने अपने हाथों से उन यतीमों को खाना खिलाया। कोई आम आदमी होता, कोई बहुत मशरूफ आदमी होता, कोई बहुत बड़ा ताजर होता तो रोटी और राशन घर पे पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करके चला जाता और ये गुमान करता कि मैंने हक अदा कर दिया। लेकिन ये मौला का तरीका है, न सिर्फ गजा फराहम की, न सिर्फ मादी जरूरत को पूरा किया बल्कि इमोशनल नीड को भी पूरा कर रहे हैं। उन्हें उनका बाप बनकर शफकत से निवाले और लुकमे खिला रहे हैं और एक ही बात कहते जाते थे, ऐ बच्चों खुदा से दुआ करना कि अली को बख्श दे, खुदा से दुआ करना कि अली की मग़फ़िरत कर दे। ये मौलाए कायनात का तरीक़े कार था यतीमों से बर्ताव और तआम्मुल करने का, किस अंदाज से मौला एहतमाम करते थे। यही वजह थी कि असबग इब्न नुबाता से मंसूब वो मारूफ वाकया कि जब मौलाए कायनात को जरबत लगी और जरबत भी जहर में बुझी हुई तो माहिर तबीब को बुलाया गया, मौला के जख्म का मुआयना किया, कहने लगा कि अब जहर बदन में सरायत कर चुका है, अगर इन्हें तकलीफ से आराम देना चाहते हो, कुछ वक्ती आराम और ताकत फराहम करना चाहते हो तो अली को ज्यादा से ज्यादा दूध पेश किया जाए। यह खबर कूफे में फैल गई कि तबीब ने अली को दूध पीने का कहा है, अली जख्मी है। मौलाए कायनात के बैतुश्शरफ के बाहर कूफे के कमसिन यतीम बच्चों के कतार लग गई और हर बच्चे के लबों पर एक ही बात थी, हर यतीम के लबों पर एक ही बात थी कि हमसे ये हमारे हिस्से की गिजा, हमारे हिस्से का आज का दूध का प्याला ले लो और हमें हमारा बाबा अली वापस लौटा दो। मगर हाय अफसोस कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, उन बच्चों को भी वापस किया गया। न सिर्फ उन्हें वापस किया गया, वो शरबत जो मौलाए कायनात के लिए लाया गया, कहने लगे पहले मेरे कातिल को पिलाओ, इसे प्यासा न रखो, अगर मैं इस दुनिया में न रहूं तो एक जरबत के बदले एक जरबत का वार करना, अगर मर जाए तो ठीक है, बच जाए तो सजा खत्म। ये वसीयतें करते हुए, लोगों को यतीमों का ख्याल रखने का तरीका सिखाते हुए मौलाए कायनात अपने जख्म की शिद्दत की ताब न लाते हुए
21वीं रमजान को रात शब में फज्र के वक्त मेरे मौला इस दुनिया से रुखसत हुए और बैत अली में कोहराम बपा हो गया। और क्यों ना होता कि आज शहजादी ज़ैनब व उम्मे कुलसूम यतीम हो रही हैं, आज आका हसन व आका हुसैन यतीम हो रहे हैं। अरे फकत हसनैन नहीं, आज कूफे का हर यतीम बच्चा दोबारा यतीम हो रहा है, आज बेवाओं और यतीमों का पालने वाला जा रहा है। और यही वजह है ना कि लोगों ने 21 रमजान की सुबह जिब्राइल अमीन को मरसिया कहते सुना था कि तहद्दमत वल्लाही अरकानुल हुदा कुतला अलीयुनल मुर्तजा। अरे आज अली मुर्तजा मारे गए, आज हिदायत के सुतून ढा दिए गए। الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون بارلها। तो जो वास्ता मजलूमियत अमीर उलमोमिन का, तो जो वास्ता फजीलत अमीर उलमोमिन का, तो जो वास्ता करामत अमीर उलमोमिन का, तो जो वास्ता अमीर उलमोमिन के उस हक का कि जो तूने अपनी ज़ात बर हक पर वाजिब किया। बार इलाहा इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बार इलाहा अमीर उलमोमिन की सीरत को सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बार इलाहा माशरे के यतीमों का, अपने खानदान में मौजूद यतीमों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। बार इलाहा हर नेकी में बरकत दे, हर बुराई से महफूज फरमा। बार इलाहा बानियान की जहमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बार इलाहा हमारे मरहूमीन की मगफरत फरमा, उन्हें जवार अमीरुल मोमिनीन में जगह अता फरमा। सबसे बड़ी दुआ, सबसे बड़ी आरजू मुंजिए बशर मुंतकम करबला फरजंद जहरा कायम आले मोहम्मद के जहूर में ताजील फरमा, हमें मौला के आवान और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिजाह मुहम्मद व अहले बैतिह तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह, हम तहे दिल से मुतशक्किर हैं हुज्जत इस्लाम मौलाना हाफिज़ इरतज़ा नशवी साहब की कि उन्होंने कीमती वक्त में से हमारी इस उनवान पर रहनुमाई फरमाई। परवरदिगार आलम आपकी तौफीकात में मज़ीद इजाफा करे, आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अजर नमन इंशाअल्लाह अज़ीज़, कल 22 रमज़ान है, कल यहाँ पर नशस्त का इंतज़ाम इसी मकाम पर भोजानी हॉल में होगा। और कल का हमारा जो उनवान है वो है लैलतुल क़द्र के आसार व आदाब, जिससे हुज्जत इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना अली सज्जाद मुर्तज़वी साहब इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, आप की रहनुमाई भी फरमाएंगे और आप उनसे मुस्तफीद भी हो सकेंगे, चूँकि उसके बाद ही कल की शब इंशाल्लाह अज़ीज़ शब लैलतुल क़द्र है, हकीकत में शब क़द्र है इंशाल्लाह अज़ीज़, आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अज़ीज़ मोहतरम, कल शब 23 है, शब क़द्र है, आमाल का सिलसिला है, तो इंशाल्लाह दर्स के प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ कुरानी सूरतों का आगाज़ 10:30 बजे इंशाल्लाह अज़ीज़ होगा, और उसके बाद दुआए जोश ने कभी 11 बजे इंशाल्लाह अपने वही वक्त पे इंशाल्लाह अंजाम दी जाएगी। इंशाल्लाह अज़ीज़ अमाले कुरानी इंशाअल्लाह अज़ीज़ करवाएंगे मौलाना साजिद वकील साहब और ब्रदर अहमद रज़ा नासरी साहब, इंशाल्लाह हमें दरमियान मौजूद होंगे। और इंशाल्लाह ठीक 2:30 बजे दुआए इमाम ज़माना से अमाले कुरानी का इख्तिताम होगा। आइए अज़ीज़ नमन इस प्रोग्राम के इख्तिताम दुआए सलामती इमाम ज़माने से करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوا وتمتعه
फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।